वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्सरसाइज 23 का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सिंप्लीफाई है। क्वेश्चन नंबर 1 है 4/5 डिवाइड 7/15 ऑफ 8/9। ये बोर्ड मार्क्स के रूल से सॉल्व होगा। क्या है 4/5 डिवाइड, ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ऑफ का ही है, पहले बोर्ड मार्क्स में ऑफ सॉल्व होता है उसके बाद डिवाइड आता है। तो ये क्या हो जाएगा 56 7 8 56/59 135 = 4/5। अब डिवाइड जो हुए हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाला नंबर रिप्लेस हो जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। हम लोग इससे पहले भी सोल्व कर चुके हैं कि 135/56 होगा। अब ये 4 1 4 ये 14 × 14 = 56, ये 5 1 5 और ये 27 × 135, तो क्या होगा ये 27/14 इक्वल टू। अब डिवाइड करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे 14 से 27 को, तो क्या हो जाएगा 1 whole 13/14, इसका आंसर ये होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, 4/5 डिवाइड 7/15 मल्टीप्लाई 8/9। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ ऑफ की जगह ये मल्टीप्लाई है। इसमें ऑफ का मतलब ऑफ है जो मल्टीप्लाई है, और ये मल्टीप्लाई अब डिवाइड के बाद सोल्व होगा। तो पहले हम लोग डिवाइड सोल्व करेंगे उसके बाद फिर मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे। क्या होगा 4/5 ये डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो 15/7 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 8/9 होगा। अब इसको क्या करेंगे, ये 5 से 5 1 5 5 3 15। अब ये क्या होगा, इसको 3 से 3 1 3 और 3 3 9 इक्वल टू 4 में 8 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 32 32 by 21 7 3 21। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका 1 whole 11/21, इसका आंसर ये निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 whole 1/4 डिवाइड 3/7 मल्टीप्लाई 1/2। अब पहले हम लोग इसको होल को ही पहले सोल्व करते हैं, तो 5 4 जा क्या होगा 20 और 1 21 21 by 4। अब 21/4 है, डिवाइड को पहले ही करेंगे फिर मल्टीप्लाई मिलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 7/3 हो जाएगा, ये 7/3 होगा। हम लोग चेंज कर दिए हैं नंबर को, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। 3 है ये मल्टीप्लाई, लास्ट वाला सेम रहेगा 1/2 है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद जो है इसको डिवाइड करेंगे, जो कटने वाला है उसको हम लोग काटते हैं। 3 1 3 3 7 21। अब 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 49 by 4 2 8 हुआ। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 6 whole 1/8 आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी सोल्व करेंगे, ये 21/4 है, सेम है, लेकिन ये मल्टीप्लाई था यहाँ ऑफ है, तो पहले हम लोग इसको सोल्व करेंगे ऑफ को। ये 3/7 है, ऑफ का है, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में जब चेंज होता है, तो ये ऑफ अभी यहाँ है 1/2 है इक्वल टू 21/4। अब ये 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 2 जा ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे चला जाएगा, 7 2 जा 14 by 3 हो जाएगा। अब इसको 3 से 3 1 जा 3 3 7 जा 4 2 2 जा 4 2 7 जा 14 इक्वल टू 7 में 7 से मल्टीप्लाई होगा 49/2 आ जाएगा इक्वल टू। इसको दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 24/1 whole 2 आएगा आंसर। और क्वेश्चन नंबर 5 है, 7/8 एड 2 whole 5/6 मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्ट 11/12 मल्टीप्लाई 3 whole 3/11 है। लोग इसको पहले होल को ही पहले ख़त्म करें उसके बाद देखते हैं दूसरा क्या होगा। ये 7/8 एड 6 2 जा 12/5 17/6 एडिशन है 11/12
मल्टीप्लाई 11 थ्री जा 33 और 3 36 बाई 11, ये 11 से 11 कट जाएगा वन टाइम, 12 वन जा 12, 12 थ्री जा 36, 7 बाई 8 एट 17 बाई 6 सब्सट्रैक, ये 3 बाई 1। अब ये क्या है, दोनों को हम लोग एलसीएम लेंगे, और 8 और 6 का, 8 और 6 का एलसीएम लेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, 24। अब 8 से 8 3 जा 24 और 3 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21, 21 ऐड है, उसके बाद ये 6 से 6 4 जा 4 टाइम, अब 4 से 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 68, 68 ये सब्सट्रैक है माइनस 3 बाई ये 1 है। अब क्या होगा इसके आगे, इसके आगे होगा इक्वल टू, ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, ऐड करेंगे 68 और 28 को, क्या होगा 89, 89 बाई 24, 24 माइनस 3 बाई 1। अब 89, ये 89 बाई 24, अब ये 24 को 1 से, 24 वन या 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस है, ये 72 होगा, इक्वल टू ये दोनों को माइनस करेंगे क्या निकलेगा 17 बाई 24, इसका आंसर 17 बाई 24 आया। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी उसी तरह से हम लोग सोल्व करेंगे, पहले इसको डिवाइड सोल्व करेंगे उसके बाद फिर मल्टीप्लाई को, बोर्ड मास में वही रूल है। तो ये क्या करेंगे, पहले होल को खत्म करेंगे, 4 3 जा 12 और 3 15, 15 बाई 4 डिवाइड 7 बाई 8 मल्टीप्लाई 4 6 जा और 1 24, 4 6 जा 24, 1 25, ये 25, 25 बाई 6 मल्टीप्लाई 15 और 13, 15 1 जा 15 और 13 28, 28 बाई 15। अब ये डिवाइड जो है से मल्टीप्लाई में जो भी चेंज होगा तो नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा, नंबर रिप्लेस होता है, तो ये 15 बाई 4 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 8 बाई 7 मल्टीप्लाई 25 बाई 6 मल्टीप्लाई 28 बाई ये 15। अब इसको हम लोग जो कटने वाला है उसको काटेंगे, क्या होगा 4 से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, अब 6 से 3 से थ्री, ये टू से कटेगा, टू थ्री या सिक्स ये 14 टाइम, ये भी कट जाएगा 15, ये 15 भी कट जाएगा, ये 5 थ्री जा और ये 5 फाइव जा, अब ये नहीं कटेगा किसी से, ये कटेगा 3 वन या 3, 3 फाइव जा 15, अब ये 5 बचा, ये 2 है, ये 5 है यहाँ और ये 14 है, 5 टू जा 10, 10 5 जा 15, अब 15 को हम लोग इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम, 4 टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 से भी कट जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 टू जा 14, 5 टू जा 10, 10 5 जा 15, 15 टू जा 100, 100 बाई ये 3 है नीचे सिर्फ, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 33 और 1 बाई 3 आएगा इसका आंसर। मुझे आशा है कि मैं समझाया हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।